जल्दी बोलो, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग देखो, रेडॉक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो रेडॉक्स में जब पूरा टोटल नाम देखोगे रेडॉक्स का, तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, जिसमें कि आर ई जो होता है ये डिनोट करता है रिडक्शन रिडक्शन को, आर ई डी सॉरी, और प्लस ओ एक्स जो है ये डिनोट करता है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन को। और कोई भी रिएक्शन अगर उस रिएक्शन में रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन अगर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स में हमेशा एक टर्म होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका खेल होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। ज्यादा देर नहीं पढ़ाएंगे, तुम पे ठीक नहीं है मेरा, लिख लो इसको, लिख रहे हो ना, साथ साथ लिखते जाना। ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली जो होता है ना, वो एक इमेजिनरी चार्ज है जो कि किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर डेवलप होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। वो एक्चुअल चार्ज नहीं होता है, वो हम लोग इमेजिन किया हुआ है। ठीक है, कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, तो इस तरह का सीन होता है। तो इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, इट इज इमेजिनरी चार्ज डेवलप्ड ऑन एन एटम इफ all the shared electrons are given to more electronegative atom in a covalent compound। तो किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल HCl ले लिया हम लोग, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि ये कोवेलेंट कंपाउंड दो टाइप का होता है, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हम लोग उसको बोलते हैं जो कि अलग अलग एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे जैसे HCl एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, तो HCl में जो बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन और क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाया है। अब इसमें हमको पता है ऑलरेडी क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल 3.0 होता है ना, और हाइड्रोजन का कितना है अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल बताओ? 2.1। बताए हैं ना ये सब पीरियोडिक टेबल में। हेलो, यस सर। तो इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन, तो ये क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसकी तरफ चल जाएगा, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर पार्शियल हम लोग नहीं बता करके कंप्लीट चार्ज अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट चार्ज से यहाँ मतलब रखेंगे हम लोग। तो एक्चुअल में वो कंप्लीट चार्ज नहीं होता है वो, ठीक है, वो अज्यूम किया हुआ चार्ज है। ठीक है, एक्चुअल में वो चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, हम लोग अज्यूम किए हैं, इसलिए इमेजिनरी चार्ज बोला जाता है इसको। तो क्लोरीन के ऊपर इमेजिनरी चार्ज -1 डेवलप होगा, और हाइड्रोजन के ऊपर इमेजिनरी चार्ज प्लस। तो इसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट को OS से डिनोट करते हैं, ये +1, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, -1। समझ में आ गया? ठीक है, यस सर। लिख
कुछ कुछ एलिमेंट का तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना चाहिए, जैसे यहाँ लिख दे रहे हैं ये एलिमेंट्स और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल है ये, ठीक है, जो फॉलो करते हैं हम लोग। तो जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है ये 4.0, फिर ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 3.5, ठीक है, ऑक्सीजन वो हो गई, फिर नाइट्रोजन 3.2, क्लोरीन का भी हम लोग 3.2 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ये। इसके बाद तो इतना मेनली ध्यान रखना ये चार एलिमेंट का, बाकी तुमको आइडिया लग जाएगा कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन सा लेस है। वो पीरियोडिक टेबल का तो तुम लोग का अरेंजमेंट पता ही है एलिमेंट्स का, तो उससे भी आइडिया लगा सकते हो। उसमें तो बता ही है लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है या घटता है, तो वो सब चीज वैसे कंपेयर करके भी देख सकते हो, ठीक है। लिख लिया इसको? नो सर, लिख रहा। हो गया, चलो। यस। अब हम लोग देखते हैं कुछ कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स फॉर रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी कंपाउंड अगर दिया रहेगा उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है हर एक एलिमेंट का, तो कैसे निकालेंगे, तो एक एक करके रूल देखते हैं। उसमें सबसे पहला है सम ऑफ ऑल द सम ऑफ ऐसे लिख लो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स of all the atoms, यहाँ पे कंपाउंड की जगह मॉलिक्यूल लिख लो, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट, ठीक है। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। बोलने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो H2SO4 है, तो H2SO4 ये एक मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन एक सल्फर और चार ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है ना। तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है बताओ, तो ये मॉलिक्यूल जो है ओवरऑल चार्ज कुछ है क्या इसके ऊपर, बोलो। उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कुछ दिख रहा है? नहीं। तो ओवरऑल चार्ज जीरो है, तो जीरो ये क्या हुआ कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर जितना भी टोटल ओवरऑल चार्ज होगा, तो हर एक एलिमेंट का जब हम लोग हर एक इंडिविजुअल एटम का जब ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करेंगे ना, तो ओवरऑल चार्ज के बराबर होगा। जैसे इस केस में अगर हम लोग लिखना चाहें तो टू टाइम्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस वन टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस फोर टाइम्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल मतलब जीरो। समझ में आया? यस सर।
बोलने का मतलब हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करोगे तो वो हमेशा उस मॉलिक्यूल के ऊपर जो भी चार्ज आएगा उसके इक्वल आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं NH4+, तो यहाँ पे देखोगे ये अमोनियम आयन है तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, +1 हो गया। मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरऑल चार्ज +1, तब यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो 1 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ये किसके इक्वल होना चाहिए बताओ? प्लस 1 के +1, ठीक है। तो यही हुआ बोलने का मतलब। तो किसी भी एलिमेंट का अगर हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो हम लोग ऐसे इक्वेशन निकालेंगे एक, ठीक है, वो बताएंगे कैसे करना है आगे। तो ठीक है, यस ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन द प्योर एलिट्रोपिक फॉर्म इज टेकन एज जीरो, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट अगर अपने प्योर फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो होगा। जैसे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन H2 गैस के फॉर्म में रहता है तो इसमें इसका सर आवाज नहीं आ रहा है।
हेलो। हेलो, आवाज यस आ रहा है क्या? अभी सर स्क्रीन दिख रहा यस सर है? तो ये सेकंड पॉइंट लिख लिए हो सब लोग? सॉरी लिख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन देयर प्योर एलोट्रॉपिक फॉर्म इज टेकन एज जीरो। जैसे नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन N2 गैस के फॉर्म में अगर रहेगा तो यहाँ पे इसका जीरो होगा। हो गया। चलो थर्ड पॉइंट है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स इन कंपाउंड इज ऑलवेज प्लस वन। समझ में आया? जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, कौन कौन से अल्कली मेटल्स हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे अल्कली मेटल्स अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे तब तो जीरो होगा, जैसे ये है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में अगर प्रेजेंट होगा, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया Na2O, तो इसमें अल्कली मेटल किसी कंपाउंड में अगर प्रेजेंट है Na, तो इस कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना होगा? अल्कली मेटल का कितना लेना है हमें? यस प्लस वन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अल्कली मेटल किसी भी कंपाउंड में अगर प्रेजेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा प्लस वन। इसी तरह नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इन ए कंपाउंड इज ऑलवेज टेकन एज प्लस टू, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप टू वाला, तो उसका हम ऐसा प्लस टू लेंगे हम लोग, ठीक है। प्लस वन अल्कली मेटल का और अल्कलाइन अर्थ मेटल का प्लस टू। अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन सा आ जाएगा? बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम, ग्रुप टू वाले एलिमेंट्स, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, तो ये सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो इन सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल कोई भी कंपाउंड अगर ले लो, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया MgO, तो ये सर, कंपाउंड रेडियम है। भी अल्कलाइन ही अर्थ मेटल है। हाँ, रेडियम भी है अल्कलाइन अर्थ मेटल, लेकिन वो जनरली पाया नहीं जाता है नीचे, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, तो वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में, इसलिए उसको हम लोग नहीं, उसके कंपाउंड बहुत ही कम मिलेंगे, ठीक है। इसमें जैसे सीजियम के बाद फ्रांसियम भी आता है एक, तो फ्रांसियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में यहाँ पे Mg का कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? प्लस टू। तो अल्कली मेटल का किसी भी कंपाउंड में हमेशा प्लस वन, अल्कलाइन अर्थ मेटल का किसी भी कंपाउंड में हमेशा प्लस टू, ठीक है। लेकिन अगर ये ओरिजिनल स्टेट में अगर ऐसे लिखा हुआ है Mg सॉलिड, तो
इसमें प्लस टू लोगे क्या? इसमें क्या लेना है? प्लस वन इसमें जीरो लेंगे ना, ओरिजिनल स्टेट, ये नेचुरल स्टेट सॉलिड यस सर, फॉर्म ये। जीरो सर। ठीक है, ये सब चीज ध्यान रखो। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो फिर प्लस टू लेना है अल्कलाइन अर्थ मेटल का। चलो नेक्स्ट, फॉर फ्लोरीन एटम ऑलवेज, फॉर फ्लोरीन एटम इन ए कंपाउंड, अगर किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है तो हमेशा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेना है, क्योंकि फ्लोरीन जो है सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हमेशा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही लेंगे हम लोग। ठीक है, फ्लोरीन किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1। ठीक है, लेकिन अगर ये अगर है ऐसे तो फ्लोरीन F2 गैस के फॉर्म में अगर रहेगा तो इसमें क्या लेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ तो फ्लोरीन का। बोलो, अगर F2 गैस ऐसे लिखा हुआ है तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लोगे? बोलो यार। हाँ, जीरो लेंगे सर। क्योंकि ये अपने ओरिजिनल स्टेट में है तो इसमें जीरो होगा, लेकिन कोई कंपाउंड अगर ये बनाया, जैसे मान लो फ्लोरीन जो है किसी एलिमेंट A के साथ अटैच्ड हो गया, तो यहाँ पे ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, अब यहाँ पे इसका -1 आ जाएगा। ठीक है, और इसका प्लस। ठीक है, तो किसी कंपाउंड में अगर फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है तो उसका -1 लेना है हमेशा। ठीक स्टेप फोर, ऑक्सीजन एटम इन ए कंपाउंड जनरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट टेकन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन एटम किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो जनरली हम लोग उसका -2 लेते हैं जनरली। जैसे KMnO4 है तो KMnO4 में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है ना, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है तो ये -2 जनरली लेते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं इसमें। एक्सेप्शंस ध्यान रखना है कौन कौन सा एक्सेप्शंस होता है। पहला एक्सेप्शन, एक कंपाउंड होता है OF2 ऑक्सीजन का फ्लोरीन के साथ। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बताओ? फ्लोरीन। फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का तो हमेशा -1 रहेगा। ठीक है, yes. तो फ्लोरीन ऐसे OF2 इस टाइप का रहता है, तो फ्लोरीन का अगर -2 हो गया, -1 हो गया, तो 2 फ्लोरीन एटम है यहाँ पे टोटल, तो 2 फ्लोरीन एटम मिला के कितना हो जाएगा टोटल? -2। ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे क्या होना चाहिए? +2 होना चाहिए, तभी तो ओवरऑल जीरो होगा, समझ रहे हो? yes, तो इस केस में ऑक्सीजन का जनरली हम लोग -2 लेते हैं, लेकिन OF2 एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे ऑक्सीजन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, sir. दूसरा होता है परऑक्साइड्स के केस में। जैसे ऑक्सीजन का -2 लेते हैं जनरली तो इसको ऑक्साइड्स बोला जाता है। सर एक कंफ्यूजन था सर, आप पहला वाला पॉइंट में तो लिख रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का प्योर एलोट्रॉपिक फॉर्म में उसका जीरो लेते हैं, पर तो इसमें ऑक्सीजन कहाँ पे?
किसी एलिमेंट के साथ। ये तो कंपाउंड है ना। यस सर, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, पर ऑक्साइड्स के केस में -1 लेते हैं हम लोग। ठीक है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। पर ऑक्साइड जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड सुने होंगे तुम लोग, H2O2 है ना। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, तो इसमें जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। या फिर Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड, तो ये भी सोडियम पेरोक्साइड है, यहाँ भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, जैसे OF2 में ऑक्सीजन का +2 हो जाएगा, पर ऑक्साइड्स के केस में ऑक्सीजन का -1 हो जाएगा। इसके बाद तीसरा एक होता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड्स के केस में ऑक्सीजन का -1/2 होता है, जैसे KO2 हो गया ना। तब KO2 में देखोगे, जैसे ये कंपाउंड है तो तुम देखोगे K क्या है, अल्कली मेटल है, बोलो। पोटेशियम क्या है, अल्कली मेटल है ना। यस सर। तो अल्कली मेटल का कितना रहेगा, हमेशा +1। यस सर। और ऑक्सीजन का हमको नहीं पता है यहाँ पे कितना है, ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। ओवरऑल चार्ज 0 है। यस सर। तो यहाँ पे देखोगे पोटेशियम का एलिमेंट है 1, और पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। तो 1 + 1 प्लस ऑक्सीजन का हमको नहीं पता है, ऑक्सीजन को हमको एक्स मान लेते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स एज्यूम कर लिया, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। तो (2) इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, 1/2। तो ये हो गया सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड्स के केस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -1/2 होता है, ठीक है। यस सर। तो ये 3 एक्सेप्शन है। जनरली ऑक्साइड्स के फॉर्म में अगर रहेगा तो जनरली -2 लेना है, लेकिन अगर ये तीनों कंपाउंड्स रहेंगे, OF2 हो गया जिसमें ऑक्सीजन का +2 हो जाएगा, पर ऑक्साइड हो गया जिसमें ऑक्सीजन का -1 हो जाएगा, और सुपर ऑक्साइड हो गया जिसमें ऑक्सीजन का -1/2 हो जाएगा, ठीक है। चल लिख लिया उसको। लिखे हो सर, एक्सेप्शंस लिखना। लिखो जल्दी। यस सर। हो गया। यस। हो गया। यस सर। चलो हो गया 6th। नेक्स्ट 7th पॉइंट। For hydrogen atom in a compound, generally
प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेटस टेकन। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए जनरली प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट लिया जाता है। ठीक है, जनरली अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम है तो जैसे हाइड्रोजन एच टू गैस है, इसमें इसका कितना लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट? जीरो। जीरो। लेकिन एच टू एस है, जैसे यहाँ पे कंपाउंड बनाया है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये प्लस वन जनरली लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक जगह एक्सेप्शन आता है कि हाइड्राइड्स के केस में, हाइड्राइड्स के केस में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ये माइनस वन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम हाइड्राइड NaH, तो ये सोडियम के साथ ये कंपाउंड बनाया, तो सोडियम एक अल्कली मेटल है, तो अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा? प्लस वन होगा। यस सर। तो अल्कली मेटल अगर प्लस वन है तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? माइनस वन, तभी तो जीरो होगा ना ओवरऑल। तो ये इस टाइप का अगर केस होगा सोडियम हाइड्राइड या फिर पोटेशियम हाइड्राइड KH, तो यहाँ पे पोटेशियम का प्लस वन, हाइड्रोजन का माइनस वन, तो इन सभी केसेस में इसको हाइड्राइड्स बोलते हैं हम लोग। तो हाइड्राइड्स के केस में हाइड्रोजन का माइनस वन लेना है, बाकी सभी केसेस में वो प्लस वन रहेगा। ठीक है, चलो। तो ये सारे कुछ कुछ जनरल रूल्स हैं जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमको डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। जैसे हम कुछ कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, उसमें तुम लोग को निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइंड एटम्स। पहला KMnO4, KMnO4 में मैंगनीज का निकालना है। दूसरा H2SO4 सल्फर का निकालना है। K2CR2O7 क्रोमियम का निकालना है। MnO2 Mn का निकालना है। NaNO3 नाइट्रोजन का निकालना है। ठीक है, इन पांचों में करो तो क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन दिख रहा है ना? यस। तो जो अंडरलाइंड एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक है, करो फटाफट।
सर स्क्रीन शेयरिंग हट गया। हो गया। यस सर। सारा सर फिफ्थ नंबर कर रहे हैं। यस सर। कितना आया? सर पहला का +7 होगा। पहला का +7 ठीक है। दूसरा का +6। +6 ठीक है। तीसरा का भी +6। सही है। चौथा का -2। -2 क्यों? सर एमएन का निकालना है तो ऑक्सीजन का जनरली क्या लेना है तुमको? यहाँ -2 ही लेना है ना, यस सर। तो फिर एमएन का माइनस कैसे हो जाएगा? सर प्लस एमएन का प्लस 4 होगा ना। यस सर +4 होगा। पांचवा का पांचवा का उतना करेक्टली सर नहीं निकल पा रहा उसका। क्यों? नाइट्रोजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर 5 होता है। नाइट्रोजन का ही तो निकालना है। सोडियम का +1 होगा होगा यस सर। और ऑक्सीजन का कितना होगा? -2 होगा। हाँ या नहीं? यस सर। इसको नाइट्रोजन का एक्स एज्यूम कर लो, ऑक्सीजन का 3 × -2 इक्वल टू किसके बराबर होगा? 0 होगा। सर एक्स +1 - 6 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो गया? +5 हो गया, तो +5 हो जाएगा नाइट्रोजन का। हाँ यस सर। यस सर आ गया सर। हो गया सबका? यस सर। सब लोग बना लिया इसको? पांचो हेलो। अरे रिप्लाई करो बाकी लोग में। बन गया? यस सर। चलो तो इसको नोट डाउन कर लिया हो ना यहाँ तक तुम लोग? बोलो सारा लिख लिया हो ना यहाँ तक? यस सर। चलो चलो फिर तो आज इतना ही रहने देते हैं, करते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है थैंक यू। ठीक है चलो थैंक यू।